आप देखना शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज और मैं हूँ संतोष कुमार पाल। बता दें किन दिनों नालंदा जिला में बारिश रुक रुक कर हो रही, कभी झमाझम बारिश हो रहा, जिसका प्रकोप यह देखने को मिला है कि कई जगह पर बाढ़ का जल स्तर काफ़ी तेजी के साथ वृद्धि हो गया है। हाल ही में हिलसा अनुमंडल क्षेत्र के पश्चिमी इलाका करापसराय, हिलसा एवं एकंगरसराय के पश्चिमी इलाका में देखने को मिला था, जहां कई गांव में पानी प्रवेश किया था। अब नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ के जलालपुर, हब्बीपुर और आशा नगर मोहल्ला में देखने को मिला है, जहां बाढ़ का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। कई यानी 2 से 4 फीट पानी बढ़ जाने के कारण कई के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभांकर को इसकी जानकारी मिलते ही वह मोहल्ले में जाकर निरीक्षण करने का काम किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना हो सकता है मैं लोगों को मदद करने का काम करूंगा। फिलहाल जल का स्तर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ के आशा नगर, हब्बीपुर और जलालपुर मोहल्ला में यह देखने को मिल रहा है। हालाँकि इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि अभी प्रशासन की ओर से काफ़ी कुछ बेहतर व्यवस्था नहीं किया गया है। चानी नदी के आसपास जो लो लाइन हमारा मोहल्ला सब उन जगहों पर, जैसे सोसराय अड्डा वाला इलाका है, वहाँ पर पानी चढ़ा है। किसान कॉलेज के पास सिंगार आठ है, बसार बिगा है, इन क्षेत्रों में अभी हम लोग रविदास टोला में हैं, इन क्षेत्रों में पानी अभी धीरे धीरे खेतों में और सड़कों पर चढ़ रहा है। कुछ घरों में भी पानी घुसने की संभावना है, तो हम लोग अलर्ट हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो लोगों को खाली भी कराया जाएगा। अभी कोई घर खाली करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन हम लोग पानी पर नज़र बनाए हुए हैं। अगर पानी और बढ़ता है तो लोगों को खाली करा के हम लोग शिफ्ट करें। सर, कई मोहल्लों में पानी घुसने की बात सामने आ रही है। सर, जो भी हमारे लो लाइंग मोहल्ले हैं उनमें पानी घुसा है और मोस्टली अभी सड़कों खेतों में है, कुछ घरों में भी घुस रहा है, तो हम लोग उस पर अलर्ट हैं और ध्यान दे रहे हैं। क्या लोगों से अपील कर रहे हैं सर? जो लोगों से यही अपील है कि घरों में रहें, पानी की तरफ नहीं जाएं, नदी की तरफ नहीं जाएं। हम लोग बैरिकेडिंग भी करवा रहे हैं और बच्चे अवॉइड करें पानी में जाना। हम लोग प्रशासन भी लगा रहे हैं, बैरिकेडिंग भी करवा रहे हैं। SDRF की टीम वगैरह भी बुलाया जाएगा क्या सर? SDRF की टीम आ रही है, शाम तक आ जाएगी, बिहार शरीफ में आ जाएगी। कितने टुकड़े सर कुछ है? 4 नाव आएगा SDRF का और उसके साथ बल आएंगे। और 95 नदी का पानी जब पूरा आता है तो पूरा निचला स्तर काफी इसमें नुकसान है, जिसमें जान माल क्षति सब कुछ। अभी कहाँ कहाँ पानी आया? अभी ये पानी आपको देखिए, इधर इधर हमारे एरिया में ये जलालपुर मोहल्ला है, वार्ड संख्या 8 है। यहाँ पे आपका हबीपुरा जो कि अभी पूरा डूब चुका है, बसार बिघा में पानी करीब आधा बसार बिघा डूब गया है। जलालपुर का बाहरी स्तर जो पश्चिमी स्तर है और ये नया मोहल्ला बना है पूरा डूब चुका है। और आपका इधर आपका खासगंज में मतलब तो बाढ़ खतरा मंडरा रहा है क्या? बाढ़ का खतरा अभी इस स्तर से पानी बढ़ रहा है। अगर ये अगर रहा अगर 2 घंटा और, तो हम ये कहते हैं कि मतलब ये पूरा रास्ता आपका बंद हो जाएगा।